सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस आज हम भाई बहुत सारी लकड़ियां तोड़ने वाले हैं। एंड अब तुम सोचोगे भाई ये कौन सा गेम है, एंड ये अनडाउन तो नहीं लग रहा। तो भाई तुमने बिल्कुल सही पहचाना, ये अनडाउन गेम नहीं है, ये है भाई प्रोजेक्ट ईवो, जो कि अभी प्री रिलीज या समझ लो मतलब जैसे प्री रजिस्टर के लिए आया था, तो मेरे को अर्ली एक्सेस में मिल गया ये। तो अभी ये फुल रिलीज नहीं है, सो अभी ये सिर्फ अर्ली एक्सेस में मिला हुआ गेम है। तो चलो देखते हैं भाई इस गेम में क्या क्या है। एंड अभी मैं वुड इसलिए तोड़ रहा हूँ कि बेसिकली मुझे यहाँ पे अभी घर बनाना है। एंड इस गेम में पहले मैं ये देखो वेपन भी बना रहा हूँ, क्योंकि भाई अभी वेपन भी ज़रूरी है, क्योंकि इस गेम में मैं अकेले नहीं होने वाला हूँ। मेरे साथ भाई 58 और प्लेयर, मतलब 60 प्लेयर की लिमिट है, पर मैंने जब इसको ज्वाइन किया तो 58 हो चुके थे, तो मतलब मैं 58 वहाँ घुसा था इसमें। तो भाई इन सब से सर्वाइव करके मतलब यहाँ पे सर्वाइव करना है बेसिकली। तो भाई अभी देखो यहाँ पे मैं घर बनाने वाला था, लेकिन यहाँ पे मुझे पता लगता है यहाँ पे ऑलरेडी किसी का घर बना हुआ है। ये देखो बेचारा, ये भी लगता है मेरी तरह न्यू आया गेम में। तो ये देखो इसकी लूट ऐसे ही है, तो इसके पास तो अभी कुछ भी नहीं होगा, तो इसको लूट के भी क्या फ़ायदा। तो ये देखो जो इसका येलो येलो सर्कल आ रहा था, तो ये इसकी बाउंड्री है, तो बेसिकली मैं इसके अंदर अपना घर नहीं बना सकता। तो अब मुझे यार कई और जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पे मैं अपना घर बना सकूँ। और ये देखो भाई दूर दूर तक और भी बंदों का घर है भाई, यहाँ पे आसपास ही बहुत बंदों का घर है। एंड ये देखो जब मैं पीछे गया भाई इसने तो कितना बड़ा बना रखा है। ओके तो भाई मुझे अलग जैसी जगह ढूंढनी पड़ेगी। एंड भाई पहाड़ी पे भी एक घर है। एंड ये घोड़ा, रुको घोड़ा लेके देखता हूँ। अरे मेरे को सैडल चाहिए यार इसके लिए, तो भाई ये भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि भाई ट्रैवल करना पड़ेगा मुझे दूर दूर तक, तो भाई घोड़ा ही काम आएगा। तो यार इधर भी ये देखो घर बना हुआ है, तो भाई मैं इनसे दूर चाहता हूँ कि वैसे इनसे दूर बनाऊँ घर। तो क्यों ना यार पहले मैं रोड की साइड ही अपना घर बना लेता हूँ, रोड के किनारे पे बनाता हूँ बिल्कुल। एंड ये देखो, अरे यार इस पहाड़ी के पीछे भी घर है, मतलब इस जगह पे कितने बंदों ने बनाया भाई एक ही जगह पे घर, मतलब बहुत ही क्लोज है। तो भाई यहाँ पे ठीक ठाक मार कुटाई होती होगी जब ये सब आते होंगे ऑनलाइन। तो भाई ये जगह मुझे वैसे ठीक लग रही है, यहाँ जैसे मैं बनाऊँगा अपना घर पूरा इधर, बिल्कुल जैसे रोड के साथ भी है। एंड बस पहले मुझे लगा था ये रिवर है, तो मैं सोच रहा था रिवर के साथ बनाता हूँ, बट मुझे बाद में पता लगा ये तो रोड है यार। तो फिर चलो अब देखते हैं भाई। ये देखो ये मैंने स्ट्रक्चर बना लिया अपना, तो अब भाई इसको बस मैंने यहाँ लगाना है एंड बाद में इसमें मटेरियल जोड़ना है। तो यहाँ जैसे लगाता हूँ इसको, नहीं ऐसे तो नहीं, सीधा कर लेता हूँ, बस बस ये अच्छा लगेगा बिल्कुल ऐसे। तो अब इसको लगाता हूँ। कांट, अबे रोड की साइड नहीं बना सकते क्या घर? ओए यार चलो भाई फाइनली मैंने ये जगह ढूंढी बड़ी मुश्किल से, क्योंकि यार मेरे को बार बार कभी किसी और का घर मिल जा रहा था, उसकी बाउंड्री में आ रहा था। तो फाइनली यार मैंने ये भाई घर बना लिया है। एंड भाई अब सबसे पहले यहाँ पे अपना काम करते हैं, जो कि एक बेड बनाना, ताकि भाई अब मैं अपना रिस्पॉन पॉइंट सेट कर सकूँ। तो फटाफट से ये बेड भी बना लेते हैं। तो ये भाई कुछ नहीं है, बस वुड चाहिए तुम्हारे को घर के लिए भी और बेड के लिए भी। तो ये फटाफट बन गया, क्योंकि मैंने पहले ही बहुत सारी कलेक्ट कर ली थी। तो अगर तुमने रस्ट टाइप गेम खेला होगा, मतलब पीसी पे आता है, तो तुम समझ जाएंगे कि मोबाइल में बस वैसा ही गेम है ये बिल्कुल। तो अभी ये क्या चीज़ है, खैर चलो रहने दो यार, अभी मेरे को कुछ नहीं पता इसके बारे में, इसको बाद में ही देखते हैं। ये है क्या भाई? ओके तो अभी यार ये चेस्ट बना लेता हूँ मैं, इसमें ऑब्वियसली हम अपना सामान स्टोर करेंगे। अभी दरवाज़ा बंद हो गया। एंड इधर लगा लेता हूँ ये अपनी चेस्ट, बस। तो अब यार मुझे यार कुछ मटेरियल कलेक्ट करना है, तो फटाफट से यार वो मटेरियल कलेक्ट करने चलते हैं बाहर। भाई खुल जा। एंड यार बार बार ये घोड़ा दिख रहा है ना भाई, यार देखता हूँ यार सैडल बनाते कैसे, तो फटाफट बनाते हैं ताकि भाई वरे परे जाने में आसानी हो जाए। ओ सैडल, ये तो मेरा लॉक है यार, शिट यार इसको अनलॉक करने के लिए क्या करना है? अच्छा ये मेरे को मेटल के कुछ मटेरियल चाहिए यार, 20 मटेरियल चाहिए, और बहुत मटेरियल चाहिए यार ये। तो देखते हैं भाई इसको कैसे कलेक्ट करते हैं। तो पहले तो ये करता हूँ मैं, ये रॉक्स कलेक्ट करने को बोला है मेरे को, तो ये स्टोन सारे मैं कलेक्ट कर लेता हूँ फटाफट। चल भाई, एंड भाई अभी तो अर्ली एसेस में है, सोचो अभी और भी इसमें बहुत चीज़ें आएगी तो कितना मज़ा आएगा बाद में। तो ओके तो अच्छा मुझे इससे फर्नेस बनाना था बेसिकली, तो मतलब मुझे स्टोन चाहिए थे।
तो फर्नेस हम बाद में बनाएंगे, उससे पहले मुझे यहाँ पे किसी और का घर दिख गया भाई, मेरे पड़ोस में ही, और इसने देखो हिल पे बनाया बिल्कुल। तो भाई चलो क्यों ना इससे भी लूट लिया जाए। एंड इसने तो काफ़ी बड़ा बनाया है भाई, इसका घोड़ा भी है, पर इसको भी टेम का ही ऑप्शन आ रहा है यार, ये नहीं कर सकता मैं शायद, क्योंकि मेरे पास तो सैडल ही नहीं है। तो अब इसने पासवर्ड लगाया हुआ है, इस वाले डोर पे भी लगाया क्या? अरे क्या हो सकता है इसका पासवर्ड? 123 ओके। अरे ये नहीं है यार इसका पासवर्ड, 1 2 3 4। अरे तो यार तोड़ के नहीं घुस सकते क्या हम इसमें? रुको जरा इसको ट्राई करता हूँ मैं तोड़ने का, क्या पता भाई अंदर भाई के पास लूट खतरनाक हो, इसको लूट के मैं रिच हो जाऊँ फटाफट। पहले इसको लूटता हूँ भाई, कुछ भी नहीं भाई, कोई असर ही नहीं हो रहा भाई दरवाजे पे। ओके गाइस, तो मैंने काफ़ी देर ट्राई किया बट यार वो डोर नहीं टूटा। सो मुझे कुछ और चीज़ें ढूंढनी पड़ेगी जिससे मतलब मैं दूसरों के घर पे इन्वेड वगैरह कर सकूं। तो अभी तो पहले ये मैं फर्नेस लगा लेता हूँ यहाँ पे। एंड इसमें मुझे क्राफ्ट करना है, जो कि मैंने स्टोन्स और आयरन इकट्ठे किए थे। तो अब भाई मुझे एक आयरन की ब्रिक बना लेनी है, तो फटाफट से मैं वो बना लेता हूँ एंड फिर देखते हैं भाई अगला टास्क हमको क्या मिलता है। तो अभी मुझे स्टार्टिंग है तो मुझे सिखा रहा है, तो जब तक आयरन ब्रिक मरते तब तक मैं ये घोड़े को मार के देखता हूँ, क्या पता इससे मुझे वो सैडल मिल जाए। अरे सैडल तो नहीं मिला बट हाइड और वो मीट और बोन मिल गया। अरे सैडल का जुगाड़ करना पड़ेगा भाई, वो मटेरियल कैसे इकट्ठा होता है वो सब देखना पड़ेगा मुझे। ओके गाइस, तो इसके बाद गाइस मैं एक वर्क बेंच बनाता हूँ। एंड फाइनली जैसे ही मैं वर्क बेंच बनाता हूँ सबसे पहली चीज़ मुझे यही आती है भाई, सैडल बनाने के लिए। तो भाई अब मुझे पता लग गया कि मटेरियल कहाँ से लाने हैं, तो अब फटाफट से चलते हैं एंड मटेरियल लाने हैं। तो बेसिकली उसके लिए मुझे एक रोड ढूंढना है, रोड के किनारे बहुत सारा जंक पड़ा होता है जैसे टीन के डब्बे, ड्रम ड्रूम ऐसे ऐसे, तो उनको तोड़ के मुझे मटेरियल मिलेगा। तो फटाफट से देखते हैं भाई, रोड तो अच्छा यही तो है यार रोड। ओके तो ये देखो आगे कुछ एरो एरो आ रहा है, तो वहाँ पे ड्रम्स होंगे शायद। एंड भाई यहाँ पे भी देखो घर बनाए हुए बंदों ने भाई, फटाफट से मुझे यार इसमें आर्मर आर्मर वगैरह बनाना पड़ेगा अपने लिए, वरना भाई मेरे को तोड़ देंगे ये बंदे। शुक्र है अभी ऑनलाइन नहीं है। चल भाई ओके, तो इससे मुझे 8 मिल गया स्क्रैप, नाइस। एंड मुझे 20 चाहिए अगर मुझे सैडल बनाना है। ओके अबे तो एक ही स्क्रैप दिया, एक ही सात दिया सॉरी। ओके अब इससे देखते हैं भाई, इससे तो मिल जाएगा एंड मेरा वो बन जाएगा पूरा फटाफट। अभी इसमें लग ही नहीं रहा है, साला बीच बीच में मिस हो रहा है। ओके एंड इसमें भाई मेरे को एमओ के शेल भी मिले कुछ, ये एमओ है, हाँ एमओ मिल गए मुझे। ओके नाइस, तो यहाँ से मतलब एमओ भी मिल सकता है। तो गाइस फटाफट से अब ये सैडल बना लेते हैं फाइनली। ओके तो अब भाई मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ एंड अब ढूंढते फटाफट अपना हॉर्स एंड भाई ट्रैवल करने का जुगाड़ तो हो गया अपना। अभी यही होते थे यार इतने सारे हॉर्स, अभी एक भी नहीं मिल रहा है। वो ये हॉर्स है क्या? हाँ हॉर्स ही है। चलो 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 इधर ही चलते हैं भाई, गलती से मार दिया था अभी मैंने इसको। कहाँ छुपा हुआ है, आ जा। ओके तो फाइनली अब हम इसको टेम कर पाएंगे। एंड ये क्या आ रहा है भाई? अच्छा टेम भी हमें ही करना पड़ेगा, रुको रुको। ओके तो ये ग्रीन जैसा जो आ रहा है ऊपर, इसको हमें इसके बीच में रखना है बेसिकली, और ये बार फुल करना है नीचे का। ये देखो भाई घोड़ा कैसे उछल रहा है। एंड ये हो गया टेम भाई, हो गया। चलो चलो अब देखते हैं भाई, एंड भाई कितना अच्छा लग रहा है ये घोड़ा। इस पे क्या कोई और कलर नहीं है क्या घोड़े का? अभी तो मुझे यही दिख रहा है, ब्राउन वाले घोड़े दिख रहे हैं जहाँ भी दिख रहे हैं। ओवरे जंप जुम्प भी मार रहा है भाई ठीक ठाक। एंड यार अभी तक मुझे कोई और प्लेयर नहीं मिला, बल्कि जब मैं आया तो बिल्कुल 58 प्लेयर भर चुके थे इसमें। तो भाई वो प्लेयर्स भी ढूंढने पड़ेंगे कि कहाँ पे है भाई वो छुपे हुए। तो चलो यार उनको भी ढूंढते हैं, कोई प्लेयर मिल जाए, क्या पता दोस्त दोस्त बन जाए हमारा। तो चलो उनको ढूंढते हैं। ये देखो क्या ही अच्छा लग रहा है। तो अब चलो भाई चल, अबे चलना यार बस हो गया। ओके गाइस, तो मुझे यार इस साइड से गन शॉट की आवाज आई थी एंड यहाँ पे मुझे एक घोड़ा भी दिख रहा है, लेकिन वो बंदा नहीं दिख रहा है मुझे यार। अरे और गन शॉट की आवाज आई तो उसके पास गन भी होगी, तो मुझे भी केयरफुल रहना पड़ेगा। अरे यहाँ पे गिरा हुआ है कोई, वो यही था वो क्या वो? हेलो, अरे
अभी ये तो मर गया हुआ है शायद यार, मर गया कि बेहोश। और यार ये तो मैंने नॉक कर दिया इसको, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ये मर गया हुआ कि क्या है। रुको पूरा मार के देखता हूँ, अरे पूरा गायब भी हो गया। सो बेसिकली मेरे को ऐसा लग रहा है जो गन शॉट आई थी ना इसको पड़ी है वो गोली, किसी और ने मारा है इसको। तो चलो ओके गाइस, फाइनली जब मैं इधर आ रहा था तो मुझे वो बंदा मिल ही गया जिसने वो गन शॉट मार रहा है। एंड ये काफ़ी बंदों को मार रहा है भाई गोलियां इधर। एंड ये देखो, एंड इसके पास गन है एंड मेरे पास ये बो है, देखता हूँ क्या इसको मार पाऊंगा। अरे भाग गया यार। चलो यार इसके पीछे जाते हैं, देखते हैं भाई कहाँ जा रहा है ये। अरे अरे वो आ गया, अरे इसको दिख गया शायद मैं। एंड यार मेरे पास ये बो है एंड इसके पास गन है भाई। अरे नहीं यार, नहीं हट यार। एंड भाई पंच मार है भाई, मार ले मार ले भाई, मार ले। सो यार अभी तो मेरे पास लूट नहीं थी ना तो यार मर गया मैं। सो बेसिकली अभी तो यार क्रॉस बो था, इसके पास गन थी। सो भाई मुझे तो ये काफ़ी पसंद आया गेम, तुम भी बताना कि तुमको ये गेम कैसा लगा, क्या तुम इसे खेलना चाहोगे, ट्राई करना चाहोगे। तो तब तक मिलता हूँ तुमको अगले वीडियो में। सो बाय बाय।